गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज क्लास एट्थ के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर पिछला 14 कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ फाइल भेजी गई टेस्ट के लिए। आपने जो रिजल्ट आया अच्छा है बिल्कुल। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपके 14 नंबर चैप्टर से थोड़ा सा मिलता जुलता है। एल्जेब्रिक का मतलब हो गया जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो नंबर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, ये सारे एल्जेब्रिक होते हैं। अब इनको लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको आज थोड़ा सा बताता हूँ। हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। जैसे मान लीजिए ओनली एक्स लिखा हुआ है, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, और एक जगह लिखा हुआ है 3x + y। एक जगह एक्स लिखा हुआ है, एक जगह 3x + 4 लिखा हुआ है, और एक जगह लिख दिया a² + b² + c² एक जगह लिख दिया a² + b² + c² + ab। अब एक सबसे पहले x था, यानी कि सिंगल था। जब सिंगल होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का मेथड है ये, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का ये मेथड है। अब ये है कि इसको कहा क्या जाता है, जब इस प्रकार से बिल्कुल सिंगल होता है तो इसको बोला जाता है मोनोमेरी। जब सिंगल होता है बिल्कुल एक डिजिट होता है तो उसको बोला जाता है मोनोमेरी। अब जैसे यहां पे इसके अंदर एक था, अब इसके अंदर आ गए आपके 2, यानी कि 3x एक अलग है और 4 है वो आपका अलग है, इसको हम y भी मान सकते हैं। इसमें 2 डिजिट हो गए, इसमें 2 हो गए, तो इसको बोला जाता है बायोनोमियल। इसको बोला जाएगा बायोनोमियल। अब इसमें एक था, मोनोमियल हो गया। इसमें 2 थे, इसलिए बायोनोमियल हो गया। अब इसमें आपके 1, 2, 3, इसमें 3 आ गए, जब 3 हो जाते हैं इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। 1 था मोनोमियल, 2 था बायोनोमियल, और 3 था, इसको बोला गया ट्राइनोमियल। और जब 3 से ज्यादा होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल। जब 3 से ज्यादा होते हैं तो उसमें उसको बोलते हैं पॉलीनोमियल। 1 टर्म होता है तो मोनोमियल, जब 2 टर्म होते हैं उसके अंदर तो बायनोमियल, जब उसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं ओनली कंटेंस होते हैं उसमें तो ट्राइनोमियल, और पॉलीनोमियल उसमें होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उसको बोला जाता है आपका पॉलीनोमियल। अब जैसे चैप्टर नंबर आपका 9 है, तो अब देखते हैं 9.1 में इस तरह से क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब 9.1 के हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, चैप्टर नंबर 9.1 का। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स। एक तो इन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो फाइंड करने हैं। अब टर्म्स कौन कौन से हो गए, एक टर्म आपका ये हो गया। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, यहां लिखेंगे टर्म और यहां लिख देंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कि उसके साथ में क्या है। जैसे 5xyz² तो टर्म क्या हो गया इसका 5xyz², इसके साथ में क्या है 5, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया प्लस का 5। फिर इसी का टर्म दूसरा कौन सा है -3zy, तो ये इसका टर्म हो गया और इसका कोएफिशिएंट हो गया -3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका टर्म क्या है 1, तो कोएफिशिएंट भी क्या होगा 1। अब इसमें दे रखा है आगे मान लीजिए n, तो n के साथ कुछ भी नहीं है, इसका कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है 1। आगे फिर टर्म हो गया इसका x² के साथ भी कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं होता, उसके साथ होता है 1। तो ये हो गए टर्म्स और ये हो गए इसके कोएफिशिएंट।
यानी कि ये टर्म्स होते हैं और इनके साथ में जो डिजिट लिखी हुई रहती है वो हमेशा कोफिशियंट होती है। इसकी बात करेंगे तो टर्म हो गया x अपॉन टू और हमारा कोफिशियंट हो जाएगा, इसको कुछ नहीं है तो वन हो गया, तो वन अपॉन टू। इसमें टर्म्स हो गया y अपॉन टू तो हमारा जो कोफिशियंट होगा वो वन अपॉन टू। इसमें टर्म हो गया हमारा एक्स वाई और इसमें कोफिशियंट हो गया हमारा वन। तो आज सिर्फ आपको 9 नंबर चैप्टर की शुरुआत करवाई है, आप इस शुरुआत को देखिए, इसको समझिए है क्या। इसके बाद कल से हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हैं 1 के बाद में 2 3 4 उनको करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।